हाय एवरीवन, माय नेम शिवांश बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी। सो कल है वीकली एक्सपायरी इस मंथ की, हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है, कौन से स्टॉक्स हमारे प्रीवियस स्टॉक्स की तरफ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं, सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो जैसे कि आप लोगों को मैंने कल तीन स्टॉक सजेस्ट करे थे, पहला उषा मार्ट जो मैंने आप लोगों को 72 लेवल्स पे बोला था एंड 80 रुपीज तक का आज हाई लगा के आया, जो हमारा एक्यूरेट टारगेट था। सो आज के दिन यहाँ आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक ने 8% तक का रिटर्न जनरेट करके दिया है। इसके अलावा हम लोगों ने आरती इंडस्ट्रीज पे लिया था और हम लोगों ने NTPC पे भी अपना ट्रेड ले रखा है, तो दोनों अभी स्टिल पोजीशन होल्ड पे है, बट इन दोनों पे अभी बाइंग और अच्छी नहीं आई है। तो अगर आप लोगों ने इस पे भी बाय नहीं कर रखा तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, जो लेवल्स आप लोगों को सजेस्ट करे गए हैं, ठीक है। तो एक बार वीडियो दोबारा आप रिपीट पे देख सकते हैं वो वाली। आज वाली वीडियो में बात करेंगे तीन स्टॉक्स और के बारे में जिस पर हम लोग अपने एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। सो गाइज, थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सारा सपोर्ट दे रहे हैं और मैं बहुत अच्छी से वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे और ज़्यादा मोटिवेट मिल रहा है ऐसी वीडियोस बनाने का। सो लेट्स एम कि आज वाली इस वीडियो में अगर आप पास्ट वाली वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही है ना, तो आज की इस वीडियो पे 500 लाइक्स तो लाना बनता है। सो पूरा ट्राई करिएगा, हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है एक लाइक बटन तो ज़रूर क्लिक कर देना अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही है, अगर आप लोग नए लोग हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हर जगह आप लोगों को रिकमेंड करा था, और आज की आप खुद ही देख सकते हैं इतनी बड़ी कैंडल हम लोगों को देखने को मिली है। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मैंने पहली वीडियोज में भी इसे बता रखा है। सिंपल ये डिमांड जोन है एंड ये सप्लाई जोन है, इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक बहुत टाइम से काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड चैनल था जहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया, और इसी चैनल के अंदर इसने एक बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि इसने एक बहुत ही बढ़िया आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट भी दिया था, और ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई थी। क्या अभी इसी करंट लेवल्स पे बाय बना सकते हैं? मेरे हिसाब से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अभी जो करंट प्राइस है इट्स 232 रुपीज़ के आसपास, अगर कल डिप आती है ना स्टॉक के अंदर तो बाय करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कल मार्केट डाउन खुलती है और हम लोग देखते हैं स्टॉक भी नीचे खुला है, तो इस स्टॉक को सबसे पहले ऑब्जर्व करना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और देखना ये जब भी बॉटम बना के रिवर्स करे ना, उस रिवर्स पे स्टॉक को आप उठा सकते हो। अदरवाइज देखिए, ये नीचे तो जरूर आएगा, चाहे 2 रुपये आए चाहे 3 रुपये आएगा जरूर। अगर बाई चांस नहीं आता, तो अगर ये इसके ऊपर निकल रहा होता है तो 233.5 के ऊपर भी आप लोग एक बाय बना सकते हो, जो अल्टीमेट टारगेट है दैट इज 250। तो जो लोग भी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए अपोलो टायर्स को, डू लेट अस नो अगर आप लोगों ने हमारे थ्रू इस पर ट्रेडिंग बना रखी है, एंड अपने स्क्रीनशॉट्स प्रॉफिट के हमें आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। हमारा सेकंड स्टॉक है मैकडोवल्स, यूनाइटेड स्पिरिट। अब देखिए, आज जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था स्टॉक्स फाइंड करने की, तो मेरे को ना बहुत कम लिमिटेड स्टॉक्स मिले थे या मिल ही नहीं रहे थे कि जिसको मैं आप लोगों को रिकमेंड कर पाऊँ। सो मैंने तीन स्टॉक्स ऐसे देखे हैं, शायद अगर उस पर बहुत जल्दी ब्रेकआउट आ जाना और हम लोग मिस ना कर दें, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। सो हम लोगों ने अपोलो टायर्स में तो ऑलरेडी बाय पोजीशन बना रखी है, मैकडोवल्स का मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले दो ब्लैक लाइन को फॉलो करिएगा, ये एक ब्लैक लाइन है और ये एक ब्लैक लाइन है, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है। ब्लैक लाइन ऊपर वाली रेजिस्टेंस की है एंड ये सपोर्ट है। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का इसने एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, हमें एक एक करके समझेंगे। इसने क्या करा, एक रेजिस्टेंस का इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया, इट गेव अ रीटेस्ट और फिर ऊपर गया। ये टाइम फ्रेम मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है, ठीक है। तो एक तो आप समझ सकते हैं कि इसने एक ट्रायंगल पैटर्न, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब आप पर्पल लाइन पे फोकस करेगा। पर्पल लाइन क्या कर रही है, एक्ट आप देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जहां पर एक शार्प सेलिंग प्रेशर आया। दूसरी बार आया था तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा ही बड़ा सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला था। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज में बताऊं ना कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर आया था एग्जैक्टली इस लेवल से, सो ऑलमोस्ट 40% ये स्टॉक गिरा था। तो क्या ये जो पर्पल कलर की लाइन है, क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन है? यस, डेफिनेटली। जब वहां से एक स्टॉक 40% लगातार 2 बार गिर सकता है, तो देर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि तीसरी बार भी ऐसा हो सकता है। बट यहां पर इसने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया, जब अगस्त कंप्लीट हुआ था 1st of September को एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया, 2 टाइम कंसोलिडेट करा लगातार 2 हफ्ता, एंड फाइनली अब ब्रेकआउट जाके दिया।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इसने बेस बना लिया, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो बेस बन गया, इसे कहते हैं साइकोलॉजी का वर्क। ठीक है, अब दो चीज़ें और फोकस करिए, ये एक जो लेवल है ये एक डिमांड जोन है, जो मैंने येल्लो कलर की एक रेंज बना रखी है, यहाँ से स्टॉक जब भी आता है तो बाउंस करता है, ये एक येल्लो लाइट येल्लो मैंने जो एक जोन बना रखा है, ये एक रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है। स्टॉक एक बार यहाँ पर आया तो नीचे गिरा, दूसरी बार आया तो एक बार नीचे गिरा, अब एग्जैक्टली तीसरी बार आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर दोबारा भी तो नीचे गिर सकता है, यस डेफिनेटली नीचे गिर सकता है, बट आपने एक चीज नोटिस करी, मैं आपको देखा था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसे, ये एक चैनल जो बन रहा था ना सिमेट्रिकल चैनल, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरे पे ब्रेकआउट, ये जो पर्पल कलर की लाइन है, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरे पे ब्रेकआउट, अब ऊपर ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरे पे देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है, यस और नो, डेफिनेटली दे सकता है। देखिए ऐसे वर्क करते चलोगे ना, अपने आप से बात करोगे कि मैं स्टॉक को समझा रहा हूं, तो आप लोग एक्चुअल में मार्केट पे और ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं इसने मल्टीपल सपोर्ट्स ले लिए, एक शार्प अपमूव दी, छोटा सा रिट्रेसमेंट, अगेन एक अपमूव दी, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, अब अगेन एक अपमूव दे सकता है। अब मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे इसने बहुत बढ़िया इस लेवल का एक ब्रेकआउट दिया, ये देख रहे हैं यहां पर स्टॉक बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, फाइनली इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब यहां पर करना क्या, देखिए दो सिनेरियो बनते हैं, अभी जो करंट प्राइस है दैट इज 773 रुपीज का, आपको करना क्या है, अभी तो करंट इस लेवल पे आप कुछ क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज अभी बाय कर लो, ये नहीं, अगर आपको 100 शेयर बाय करने हैं तो आप अभी 30 या 40 बाय कर लो, जब फाइनली एक ब्रेकआउट आ जाए ना इस लेवल पे, 800 रुपए के ऊपर स्टॉक चले जाए तो क्वांटिटीज और ऐड कर लेना, तब भी 100% ऐड मत करना, तब आप लोग कर सकते हो 40% क्वांटिटी या 30% और कर सकते हो। सो मेरा कहना ये है कि जब तक 800 रुपए का ब्रेकआउट नहीं आता, आप डिप में या हल्का हल्का ऊपर जाए तो क्वांटिटीज ऐड ऑन करते रहो, जब फाइनली ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रीटेस्ट देगा, क्योंकि हर टाइम रीटेस्ट दिया, देखिए जहां यहां ब्रेकआउट दिया, यहां रीटेस्ट दिया, यहां ब्रेकआउट दिया, यहां रीटेस्ट दिया, तो फाइनली यहां पर ब्रेकआउट देने के बाद देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि एक बार रीटेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो आप तब और क्वांटिटीज ऐड ऑन कर सकते हो। अब देखिए 800 रुपए पे एक ब्रेकआउट आएगा तो मैं कह सकता हूं ये वहां से 900 950 तक आने वाले टाइम पे जा सकता है। स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। आज ये मेरे को लाइव जब मैं आया था यूट्यूब पे, तब मेरे को किसी ने ये स्टॉक बताया था एंड बहुत अच्छा लगा ये मुझे, मैं कल इसे डेफिनेटली बाय करने वाला हूँ एंड आप लोग भी कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे ना इन लोगों के लेवल्स, इन तीनों स्टॉक्स के लेवल्स, टारगेट, सारी एंट्री पॉइंट आप लोगों को अपडेट भी कर दूंगा, तो वहां जरूर फॉलो करिएगा हम लोगों को। दूसरी चीज, अब बढ़ते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। आई होप आपको ये दो स्टॉक पसंद आए होंगे, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, 500 लाइक का हम लोग एक एम रख के चल रहे हैं। हमारा थर्ड स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में ना ज्यादा मुझे कुछ खास मिला नहीं, बट जितनी भी मैंने रिसर्च करी ना उसमें से मुझे एक यही स्टॉक दिखा जो मैं तीसरा रिकमेंड कर सकता हूँ, बट यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोगों को वो लेवल्स नहीं मिले कि जहाँ पर हम लोग एक्चुअल एंट्री ले सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, पेशेंसली वेट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो मैंने रेजिस्टेंस की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है और एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो एक राइजिंग चैनल के अंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। दूसरी बात, अभी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल पे ये स्टॉक है। तीसरी बात, दो पॉइंट बता दिए कि बाइंग साइड में है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, स्टॉक कंटिन्यूसली इट्स मेकिंग हायर हाइस एंड हायर लोस। आप देख सकते हैं स्टॉक यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, हल्का सा रिट्रेसमेंट, नया हाई क्रिएट करा, नीचे आया, अपने लो को ब्रेक नहीं करा, सो कंटिन्यूसली ऊपर गया, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अपने हाई को ब्रेक करा और नीचे आया, सो कंटिन्यूसली ना ये एक हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। अब बात करें तो इसका प्रीवियस स्विंग लो क्या है, प्रीवियस स्विंग लो है ये लेवल, तो हो सकता है, देखिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए एक तो स्टॉक हो सकता है एक बार नीचे आए और यहां पर बेस क्रिएट करके ऊपर चले जाए, वो होगा तो कल या परसों के अंदर अंदर हो सकता है, अगर उसके अंदर तक नहीं हुआ तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा और एक नया हाई क्रिएट कर सकता है। अब अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड एक वो यूज करता हूं मूविंग एवरेज 50 डेज की, तो 50 डेज की मूविंग एवरेज जब मैंने यूज करी तो देखा कि एग्जैक्टली इसी लेवल पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बेस पे है ये, तो क्या यहाँ पर बाय बनती है, डेफिनेटली बन सकती है, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा और ऊपर गया नीचे आया, जो ये पूरी अपमूव है ना, इस पूरी अपमूव का ये जो डाउनफॉल है ये 61 है रिट्रेसमेंट पे, फिबोनाची जो हम लोग यूज करते हैं, सो यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा बाय बन सकता है। क्या करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, अभी मैंने सजेस्ट करा ना ये स्टॉक शायद नीचे भी आ सकता है, यहाँ बेस क्रिएट करके ऊपर भी जा सकता है,
तो हम लोगों को एक परफेक्ट एंट्री लेवल चाहिए कि वहां के ऊपर ही जाए तो ही हमें कंफर्मेशन मिलेगी, अब तो नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। तो क्या करता हूँ ना, मैं एक बार 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 15 मिनट में मुझे ज़्यादा लगता है कुछ खास मिलेगा नहीं, तो 30 मिनट्स पे मैं अगर देखूँ तो शायद एक ट्रेंड लाइन और बन रही है जो कि यही लेवल है। आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन ये बन रही है, प्लस 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। देख रहे हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो करना क्या है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर जैसी निकलेगा, अभी करंट प्राइस है 7610 रुपीज़ का, जैसे ये 7660 के ऊपर निकलता है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है ना, तो आप लोग बाय बना सकते हो। तब हमें लगेगा कि ये स्टॉक अब शायद इसके नीचे नहीं जाएगा या इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक नहीं करेगा। सर इतनी बात तो समझ में आ गई, एंट्री कहाँ लेनी है, 15 मिनट की क्लोजिंग याद रखना, हर स्टॉक की बात होती है वो, ठीक है। अब सर एंट्री हो गई, अब टारगेट बताओ। तो चलिए टारगेट की बात कर लेते हैं। टारगेट में अगर रख के चलूँ तो मैं एक यूज करना चाहूँगा इंडिकेटर, यस। जब मैं ये इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर पता चला है कि अगर मैं इस लेवल के ऊपर बाय करता हूँ, इसके ऊपर बाय करता हूँ तो एक हेवी सेलिंग प्रेशर इस लेवल पे भी है, ये यहाँ पर जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 7700 यानी कि 40 रुपये ऊपर, ठीक है। वहाँ से भी एक बार फॉल आ सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है जहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया था। तो इस स्टॉक पे ना मैं बताता हूँ आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट करूँगा कब ट्रेड लेना, बट टारगेट और स्टॉप लॉस बता देता हूँ। सो अगर हम लोग इसके ऊपर बाय करते हैं तो हमारा टारगेट होगा ये जो पहला टॉप है ना, स्विंग हाई, वो हम टारगेट रख के चलते हैं। स्टॉप लॉस मैं रखना चाहूँगा इस लेवल के नीचे का, तो ऑलमोस्ट 1:5, 1:7 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो मुझे लगता है स्टॉक दे सकता है। तो इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जरूर ऐड करेगा, इस पर मैं अपडेट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो हमें नीचे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन डाटा FIR डाटा की, ठीक है। तो चलते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया आप लोगों के सामने, एंड जब मेरी प्रीवियस वीडियो आई थी ना कल, तो मैंने आप लोगों को बताया था ये जो येल्लो कलर का जोन है ना, इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हमें बाय नहीं करना, या फिर अगर इस लेवल के आसपास नहीं आता तो हमें बाय नहीं करना, यहाँ पर बाय करेंगे या इसके ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, ठीक है। स्टॉक ने करा क्या, इंडेक्स ने, ये पर्टिकुलर ऊपर तो गया, यहाँ मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करा एंड दोबारा नीचे आ गया। अब क्या लॉजिक था मैंने आपको कल बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टॉक ने क्या करा, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, अपने लो को ब्रेक करा एंड दोबारा ऊपर गया, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और नीचे आ रहा है। तो अब जो ये पैटर्न का कंफर्मेशन हो रहा है ना, ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज बन रहा है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो मेरे हिसाब से हमारे लिए जो रिवर्सल होगा वो तभी होगा, मतलब रिवर्सल इन द सेंस अभी साइडवेज है, बुलिश तब होगा जब ये 17600 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है। अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिखता चलता हूँ तो मेरे हिसाब से अगर फॉल आती है कल तो ऑलमोस्ट ये 17470 तक भी स्टॉक आ सकता है, 17470 तक। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जब मैं कल सुबह एक्सपायरी में लाइव आऊँगा ना तो आप लोगों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक आ सकता है, हमें 22 के ऊपर करना है और डिप में हम लोगों को 17480 के आसपास हम लोग बाय करने के बारे में सोचेंगे। तो ये थी निफ्टी, एक बार ऑप्शन डाटा पे चेक करेंगे कि एक्चुअल में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और कल की एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है। तो मैं कल आप लोगों के साथ पूरे टाइम में रहूँगा लाइव, तो आप लोगों को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। कल तो कुछ ना कुछ तो पैसा अच्छा कमा के जाएंगे लाइव के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या तो यहाँ पर हमने आपको बोला था ये जो येलो कलर का जोन है ना, इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे या फिर ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आएगा ना तो बाय करेंगे। येलो के ऊपर भी नहीं गया ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर एक छोटा सा इसने ना देखो बेस क्रिएट करा है इस लेवल पे, ये देख रहे हैं बेस क्रिएट हुआ है। तो अगर कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, यहां पर कल पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ब्रेकआउट आए ना तो वो दोबारा नीचे जा सकता है, एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो जब तक 2 से 3 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती ना तब तक ट्रेड नहीं लेना। अब आप सोच रहे हो यार 15 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होगी तब तक तो स्टॉक यहां तक पहुंच सकता है, हाँ पहुंच सकता है डेफिनेटली, बट मेरे को 100% गारंटी भी अगर 3 कैंडल शुरुआत में बना देना तो एक रिट्रेसमेंट आएगा इस लेवल पे और वहीं पर ही हमें बाय करना है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय करेंगे, वो मैं आप लोगों को लाइव आके सब एक्सप्लेन करूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है, कल मैं आपके साथ हूँ। अगर शॉर्ट करना है तो ये पर्पल कलर की लाइन देख रहे हैं जहां पर एक हेड एंड शोल्डर मैंने बताया था इसका ब्रेकआउट आया था,
अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करता है ना तो हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, अपने 200 से 300 पॉइंट के टारगेट हमें डाउनसाइड पे भी मिल सकते हैं। अब एक बार ऑप्शंस के डाटा पे चलते हैं और एफआईआई के डाटा पे और देखते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस बन रही है सेल साइड में या बाय साइड में, एक कंफर्मेशन ना माइंड में आ जाएगा। तो चलते हैं एक बार ऑप्शन डाटा पे। सो ऑप्शन डाटा पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन डाटा ओपन करा हुआ है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। अब सबसे ज्यादा मैं हाईएस्ट कॉल राइटिंग जो देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ ऑलमोस्ट अराउंड 37,000 पे, 37,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग हो रखी है। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो सेकंड हाईएस्ट हुई है 37,100 पे। अब आप सोच रहे हो यार इससे हाईएस्ट तो ये वाली है, बट ये भाई 1500 पॉइंट आगे जाके है, तो इसको तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो इसको भूल जाइए, ठीक है। तो हमारे हिसाब से 37,100 ये एक रेजिस्टेंस रह सकता है और यही हमारा ब्रेकआउट लेवल भी है, ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हैं, वही हमारा ट्रेंड एक जो पैटर्न बनाता है उसका ब्रेकआउट लेवल ही है। तो मेरे हिसाब से अब आप अगर पुट राइटिंग देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे पुट राइटिंग पे एग्जिट हुई है 37,200, 300, 400 और 36,400, 300 में भी एग्जिट हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कल गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं अगर गैप अप नहीं खुला। देखिए अगर कल गैप अप खुल जाएगा ना तो जिन लोगों ने भी कॉल राइटिंग कर रखी है उनको लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वो लोग एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे और शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट ऊपर जा सकती है। सो हमारे हिसाब से हम लोगों को कल 37,000, 30, 40 के ऊपर ही गैप अप खुलना चाहिए और कंटिन्यूसली अगर एक या दो मिनट की कैंडल में बाइंग आ रही है तो हम लोग बाय करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। इसी लेवल पे खुलता है तो एक बार तो मार्केट नीचे जाएगी, खुलते ही मार्केट नीचे जाएगी, उसके बाद रिकवरी आ सकती है। अब कहां तक गिर सकती है, तो मेरे हिसाब से 36,500 तक जा सकती है, यानी कि यहां से 400 पॉइंट भी गिरावट दे सकता है। हम लोगों को 100 पॉइंट नीचे शॉर्ट करना था तो 300 पॉइंट का टारगेट था, अगर इसी लेवल पे शॉर्ट करते हैं तो भी हमारा वही टारगेट है। अब मैं बात करूं अगर बैंक, एक बार इसको मैं आपको ना वो दिखा दूं, कॉल और पुट चेंज, कॉल चेंज 4 मिलियन है और पुट चेंज 0.7 मिलियन है, यानी कि कॉल राइटर सबसे ज्यादा है, मतलब वो चाहते हैं कि इसके ऊपर तो मार्केट जा ही नहीं सकता। तो कल हम लोग ना कॉल राइटिंग डेफिनेटली करने वाले हैं, कल हम लोग ना ऑप्शंस के अंदर शॉर्ट बनाएंगे, मतलब इन द सेंस हम कॉल को शॉर्ट करेंगे तो मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो जो लोग कर पाएंगे वो लोग जरूर करेंगे। निफ्टी का अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, निफ्टी पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 17,600 पे, जो कि करंट लेवल से 50 रुपये ऊपर है, तो इसके ऊपर खुलना इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर नहीं खुलता तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अदरवाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे वाले जितने भी लेवल्स हैं ना नीचे, वहाँ पर कॉल राइटिंग भी एग्जिट हुई है, पुट राइटिंग भी एग्जिट हुई है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है, अगर नीचे खुलता है तो रिकवरी आ जाएगी, ऊपर जाएगा तो सेलिंग आ जाएगी, नीचे रहेगा तो बाइंग आ जाएगी, तो रेंज बाउंड निफ्टी रह सकता है। बैंक निफ्टी शुरुआत में कुछ प्रॉफिट सेल साइड में दे सकता है। अब आपको मैंने एक माइंड चीज बता दिया, याद रखिएगा गैप अप दोनों खुलते हैं, एक दो मिनट की कैंडल ऊपर जाती है तो बाय करेंगे, अदरवाइज खुलते ही हमें शॉर्ट कर लेना है, ठीक है, और नीचे जैसे हमें कुछ प्रॉफिट मिले ना तो वहां पर हमें बुक भी कर लेना है। अब एक बार एफआईआई डाटा मैं दिखा देता हूँ। सो एफआईआई डाटा की अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने ऑप्शंस के अंदर कॉल 1.8 लाख 7 क्वांटिटीज है, पुट के अंदर 2.18 लाख क्वांटिटीज है। सो मेरे हिसाब से ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो लोग साइडवेज टू स्लाइटली बियरिश है, साइडवेज टू स्लाइटली बियरिश। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि उन लोगों ने 21 सितंबर को क्या करा था, तो वो लोग कॉल के अंदर बुलिश थे एंड पुट्स के अंदर बियरिश थे, तो एग्जैक्टली मार्केट आज नीचे ही रही, तो यहाँ पर इनका सेंटिमेंट अलग था। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो एफआईआई और डीआईआई ने दोनों ने तीन टोटल मिला के 3,350 करोड़ की बाइंग करी है, तो ये अच्छी बात है। तो अगर मार्केट नीचे जा रही होगी तो स्टॉक्स आपका साथ दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर इंडेक्स फ्यूचर की मैं बात करूँ तो इंडेक्स फ्यूचर में 283 करोड़ की उन्होंने बाइंग करी है, तो मेरे हिसाब से एफआईआई ने कुछ ज्यादा खास नहीं करा, जैसी मार्केट चलेगी ना वैसी चलेगी, इस पे एफआईआई का मेरे को लगता है ज्यादा कंट्रोल नहीं रहेगा, तो स्टॉक्स पे बाइंग आएगी तो एक रिकवरी टाइम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है, अदरवाइज गैप अप नहीं खुलता। तो आई होप आप लोगों को गाइस वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव द थम्स अप और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस 8-9 दिन रह गए इस महीने को ओवर होने में, फिर हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के सामने, तो पूरी मेहनत आप भी कर लो सब्सक्राइब दबाने में अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना उसमें से 40% ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, कर दो यार 1 लाख हम भी कर लें और हमें भी खुशी मिले इस चीज़ में।
तो चलिए एंड करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को, इस वीडियो को। कल मैं आप लोगों से लाइव मिलता हूँ, मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मैं फॉलो जरूर कर लेना वहाँ पे आप, ठीक है? सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। कोशिश करूंगा सुबह आ जाऊँ या मैं दोपहर में आ जाऊँ, जो टाइम मेरे को परफेक्ट लगेगा मैं तब आ जाऊँगा जब मुझे लगेगा कि अब हमें कोई बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।